स्वागत है किसान भाइयों आज की वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई गन्ना किस्म 16202 के बारे में। जैसे किसान भाइयों आज एक ऐसे फार्मर के पास पहुंचे हैं जो कि गन्ने के क्षेत्र में काफ़ी अपना नाम बना चुके हैं। आज की वीडियो में आपको उनसे मिलाना चाहेंगे, वो बताएंगे कि यह गन्ना किस्म किस प्रकार की है और कैसा अपना रिजल्ट दिखा रही है किसान भाइयों। आइए मिलाते हैं हमारे जो एक लखीमपुर के किसान है कुलवंत सिंह जी, काफ़ी जानते हैं, काफ़ी नामचीन किसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी वैरायटियाँ आई हैं, रिलीज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसान भाइयों को कोई सटीक वैरायटी नहीं आई। अभी हाल ही में जो रिलीज हुई है 16202 या जो लखनऊ से रिलीज, इसके बारे में हमारे किसान भाई को जानना चाह रहे हैं किस प्रकार की गन्ना किस्म है। अब थोड़ी सी किसान भाई को इसके बारे में राय दीजिए। देख सकते हैं जो पहले भी वैरायटियां पास की गई हैं संस्थान के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, ग्रोथ नहीं आ पा रही थी गन्ने में 14202 में, 14201 में जो लखनऊ के द्वारा। हाँ जी, ये काफी दिक्कत आई थी किसान भाई के सामने, इन्होंने थोड़ा सा सुधार किया है तो इसकी लंबाई काफी अच्छी जाती है। तो आप इसको 38 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास दोनों ही खेत एक साथ में लगे। अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे इधर दिखाओ, इधर ये 16202। अच्छा, ये 16202 है जी आपके किस्म। हाँ जी, ये 38 लगा हुआ। अच्छा जी, अच्छा, और इसकी जो हाइट है वो सेम है, अगौले का फर्क जो अगौले का रंग का थोड़ा सा फर्क जो है। हाँ जी, थोड़ा सा कलर 038 का जो है थोड़ा सा हरापन ज्यादा ग्रीनेस है उसका, थोड़ा सा डाउन है। लेकिन आप भाई साहब इसका बताएंगे, थोड़ी डिटेल देंगे किसान भाइयों को किस टाइम की ये गन्ना किस्म बुआई है। मार्च के पहले हफ्ते की बुआई इसकी और इसकी दोनों की। अच्छा, सेम कंडीशन है। ये जो है डबल आंख से बोया गया है 4 फीट पे। अच्छा जी, ये साधारण विधि से 30 इंच पे बोया गया है जी, और पूरा बीज डाला गया है। अच्छा अच्छा, बीज का अभाव थोड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब कि न्यू वैरायटी है, जैसे कि बीज की कंडीशन थोड़ी सी डाउन रहती है। तो भाई साहब आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा जैसे इस गन्ना किस्म का अभी तक, जैसे कि रिजल्ट है फर्टिलाइजर के तौर पर, या मतलब कि एक फर्टिलाइजर देखिए नई प्रजाति है तो इसमें ग्रोथ जो है ये अपने आप ही लेती है, इसमें ज्यादा खाद वगैरह का जरूर इस्तेमाल कम करिए, क्योंकि अगर टाइम पे इसको लगा देते हैं मार्च में भी अप्रैल में भी तब भी ये हाइट अच्छी ले लेगी। और इसमें सबसे जो जरूरी है कि मान के चलो इसमें कीटनाशक का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा, आप फर्टिलाइजर खाद वगैरह कम डालिए इसमें, और ग्रोथ ऑटोमेटिक कुदरती रूप से ये लेती है। अच्छा, काफी जो इंटरनोडों की लंबाई है वो भी काफी अच्छी है इसकी। नहीं, आपको मतलब कि ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर जैसे मान के चलिए, जैसे कि हमें 038 में बहुत नाममात्र खादों का प्रयोग करना पड़ता था, तो ऐसे इस कंडीशन में इसी प्रजाति में जैसे कि आप बात कर लीजिए 14200 में, उसमें किसान इसी वजह से परेशान थे कि उसमें फर्टिलाइजर काफी अधिक मात्रा में था, खादे डालते रहते थे लेकिन वो ग्रोथ नहीं लेती थी, बढ़वा नहीं लेती थी। ऐसा भी इस कंडीशन में इस प्रजाति में कुछ देखने को मिला वैसा को? नहीं, इसमें इसकी ग्रोथ के कारण ही ये ज्यादा चर्चित वैरायटी है, अपने आप ही ग्रोथ इसकी ज्यादा अच्छी आती है। बस इसको थोड़ा सा कीटनाशक की टॉप बोरर की समस्या हल्की सी आती है, वो भी आप बहुत ज्यादा महंगी दवाई का इस्तेमाल ना करें, हल्की दवाइयों से ही चला जी। भाई साहब जैसे कि आप गन्ना किस्मों के बारे में काफी टाइम से लगे हुए हैं, काफी गन्ना किस्मों के बारे में आपको नॉलेज है, तो किसान भाई ये जानना चाहते हैं क्योंकि धोखाधड़ी काफी ज्यादा अधिक मात्रा में हो रही है, तो किसान भाई को थोड़ी सी इस किस्म के बारे में पहचान बता दीजिए, कैसे इस गन्ना किस्म की पहचान करें, थोड़ा सा उसके बारे में किसान भाई को राय दीजिए। पहचान तो देख लीजिए आप, इसमें बताया जा सकता है क्योंकि कई कॉपी गन्ने चल रहे हैं। हाँ जी जी, वो सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है ना जी, डुप्लीकेसी सबसे ज्यादा जो गन्ना किस्मों के तौर पर हो रही है। मान के चलो हम लोगों ने एक साल हो गया इसको देखते देखते, तो हमें तो पहचान के ही पता चल जाता जी, है जी जी जी। आप थोड़ी से जो किसान है उनको नहीं पता चलता जी जी जी, पहचान के तौर पर कैसे? हाँ, इसकी पत्ती जो है आराम से मतलब उतर जाती है, बहुत ही इजीली, जैसे 038 में उतरती थी जैसे की। हाँ जी, देखिए जितनी इसमें ये पहचान है कि जितनी पत्ती आपकी मैच्योर हो जाएगी सूख जाएगी तो वो बिल्कुल सड़ती चली जाती है। और आंख देखिए, आंख में सबसे इसमें जो पहचान है इसमें हल्का सा ये निशान बना हुआ, धारी टाइप बनी हुई है जी, धारी बनी हुई है जी, ठीक है। जो आपको व्हाइट आंख ये तुरंत जब छुड़ाएंगे तो उसमें दिखेगी, ठीक है, तुरंत जैसे जो ताजी छुड़ाएंगे उसमें दिखेगी, बाद में वो शायद अपना कलर जो मतलब पहले से हटी हुई है तो वो इसमें नहीं दिखाई, कलर चेंज कर देते। अच्छा जी, अच्छा जी, और ऐसा भी कुछ है कि इसमें कहीं कहीं दो आंखों का भी चर्चा हुई है कि इसमें जो आप पहचान देख सकते हैं, सबसे जो इसकी जो आप ऐसे हाथ लगाओगे तो गड्ढा यहाँ पे नहीं आएगा, कई जो डुप्लीकेट वैरायटियां हैं तो उस यहाँ पे मोटी होंगी, यहाँ से थोड़ा सा पतली हो जाएगी, तो ये बराबर
गन्ना चलता है। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट गन्ना, सीधी लंबी लंबी पोरियों में चलता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये भाई साहब जो दो आंखों वाला चर्चा हो रही है कि दो आंखें बहुत ज्यादा है, सब गन्नों में दो दो आंखें मिलती है, ऐसा भी कुछ कंडीशन है कि इसमें भी है? दो आंखें उसी गन्ने में ज्यादातर आपको मिलेंगी जिसमें टॉप बोरर से भुंडा गन्ना हो। अच्छा अच्छा, जो मतलब आगे से बड़वार रुक गए जिसकी जी। अच्छा, सारे गन्नों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी, अचानक कहीं दिख जाए तो। अच्छा अच्छा, मान के 100 में से 1.5% जी दिख जाती है। अब पिछली बार तो काफी दिख रही थी, अभी इस बार हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा, अगर ढूंढोगे तो हो सकता कहीं ना कहीं मिल जाए, बाकी अगर जो गन्ना भुंडा हो जाता है उसमें ज्यादा अच्छा चार आंखें भी आ जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी, जो गन्ना ऊपर से अपनी बड़वार रोक देता है वो उसमें ज्यादातर आपको दिखाई देते होंगे। बाकी गन्ने की वैरायटी तो अच्छी है, टिलर्स भी देख पा रहे हैं, टिलर्स भी काफी अच्छे इस गन्ना के समय दिखाई दे रहे हैं, और बड़वार तो काफी अच्छी है। लेट गन्ना बुआई के हिसाब से इस गन्ना के समय बहुत अच्छी बड़वार है। टॉप बोरर की तो भाई सब कोई दिक्कत नहीं लग रही, देखे बिल्कुल आपका गन्ना स्वस्थ है, हमारा स्वस्थ गन्ना है, क्योंकि फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं किए। कई किसान फर्टिलाइजर अंधाधुंध नई प्रजातियों में डाल देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट जो है आ जाता है। तो नई प्रजाति कोई भी आए उसको 2-3 साल तक उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, कुल मिला के या गन्ना किस्म जो 0-38 के कम्पेयर कर सकते तो उसके इक्वल मान सकते हैं इस गन्ना किस्म को? जी, उससे इक्वल मान सकते हैं, बाकी क्षेत्र में अभी तो हमारे में तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लोगों को देखना पड़ेगा ना। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, ऐसा है कि जब भी बुवाई करें तो किसान भाई थोड़ा थोड़ा इसको लगा कर चेक करें, अभी रिजल्ट इसका चेक करें कैसा है वैरायटी उनके खेतों में पकड़े। बाकी ठीक है, मील की भी पसंद है और किसान की भी पसंद है। हाँ जी, कई क्षेत्रों में मीलों ने भी इस वैरायटी को मांग की। मील को पसंद आएगी और किसान दोनों को आएगी तभी कोई प्रजाति चलेगी। हाँ जी, कई प्रजातियां ऐसी हैं जो किसानों को पसंद है, मील को पसंद, मील को पसंद नहीं, सही बात है। 38 से भी अच्छी प्रजातियां हैं लेकिन मील जो है उनको लेना नहीं चाह, लेना चाहती है। तो इस वजह से तो कुल मिला के ये प्रजाति तो किसानों की हक की और मील की हक की भी रिकवरी भी अच्छी है इस गन्ना के समय। हाँ जी, हाँ जी, वैरायटी कोई भी है अगर कंपेयर करी जाए, अगर गेहूं काट के वो अच्छा उत्पादन दे देती है जी जी, तो वो प्रजाति को सफल माना जाना चाहिए जी जी। अगर वो लेट में अगर नहीं तैयार हो पाती जी जी, तो उसमें दिक्कत है, क्योंकि किसानों का ज्यादातर रकबा जो है मार्च अप्रैल का ही होता है जी जी जी। अक्टूबर में तो सारी प्रजाति, हाँ जी, सारी प्रजाति नहीं, कोई सी किसान भाई है 100 में से 1-2% जो अक्टूबर में गन्ना की बिजाई करते हैं, ज्यादा तो फरवरी है अपनी वही बिजाई करते हैं जी। अभी तो देखो नई प्रजाति है और सिंगल बड डबल बड होया हुआ है, क्योंकि भाई साहब किसान और मान के चलो आने जब किसान थोड़ा सा बीज तैयार हो जाएगा जी, बीज ज्यादा डालेगा तो ये पता चल जाएगा इसका। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो मतलब कि शॉर्ट बीज है और मतलब कि आप देखिए मेरे डिस्टेंस ज्यादा बुआई पर है, तो एक इल्डा अगर मान के चलिए इसकी तो औसतन जो है 4-450 के हेयर फेयर ही रह जाएगी इससे ज्यादा नहीं, 450 के। हाँ जी, हाँ जी, इस कंडीशन में, क्योंकि आमतौर पर देखा गया भाई साहब अभी जानते हैं कि वैरायटियां काफी तेजी से रिलीज भी हुई है, काफी तेजी से फेल भी हुई है। आपके सामने ये रिजल्ट देखा गया है, 14201 फेल हो गए, 13235 भी कोई ठीक ठाक नहीं, 15023 तो वो तो जंगली जानवरों के कारण फेल हो गए, तो किसान काफी परेशान इन बातों से हो गए। तो ऐसा है कि इस वैरायटी का कंडीशन अभी तक तो ठीक ठाक लग रही है, तो किसान अगर बिजाई करना चाहे तो आपकी राय से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका बीज लेकर बिजाई करें। हाँ, बिजाई कर लें जहाँ भी मिल जाए बीज। हाँ जी, हाँ जी, बीज की दिक्कत पिछले वर्ष थी। हाँ जी भाई, सब ऐसा ना कि बस बीज के मामले में धोखाधड़ी काफी होती, तो इसीलिए आपसे थोड़ी सी राय ली कि थोड़ी सी इसकी पहचान वगैरह। धोखाधड़ी से अगर बच जाए, जैसे आपको आपका भी बीज में अगले वर्ष उठ जाए तो आप ओरिजिनल लगाए। हाँ जी, क्योंकि डुप्लीकेट, हाँ जी, जब आपके पास ही डुप्लीकेट आएगा तो आप आगे भी डुप्लीकेट वैसे जाएगा, आपका बीज बीज में कटेगा ही नहीं तो नुकसान होगा जी। नहीं, ये कुल मिला के भाई साहब के द्वारा यह बताई गई जानकारी है कि यह जो गन्ना किस्म है 0-38 के कंपेयर की है। किसान भाई, आपके सामने ही कंडीशन है, देख पा रहे हैं काफी अच्छी गन्ना किस्म है, दोनों ही इक्वल कंडीशन की लगी हुई है। अप्रैल की गन्ना बोई जाएगी, देख पा रहे हैं दोनों ही कंडीशन अच्छी है, देख पा रहे हैं इक्वली ग्रोथ है, थोड़ा सा हल्का कलर का फर्क है, इधर 0238 लगी है, इधर आपकी 16202 गन्ना किस्म लगी है जो हाल ही में रिलीज हुई है, कंडीशन दोनों की सेम ही है। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।